हेलो एवरीवन, चलिए हम देखते हैं ऑयल सील का कैलकुलेशन। तो ऑयल सील का कैलकुलेशन देखने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं इस शेल के आउटर शेल का हम निकालेंगे, फिर उसके बाद इनर शेल का, फिर उसके निकालेंगे हम थिकनेस। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए। तो एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए हम इसको इस तरह से बीच में रखेंगे। तो हम देख रहे हैं इसको, मैंने यहाँ पर दोनों जॉस के बीच में अच्छे से फंसा लिया है और यहाँ पर हम इसको फिट कर देंगे इस स्क्रू से और ये ऑयल सील यहाँ से हम निकाल देंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें mm और cm और इंचेस में हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम पहले देखते हैं एक्सटर्नल डायमीटर कितना आया है इन mm, इन mm में क्या रीडिंग आती है। तो ये 6 है और 6 के बाद 61, 62, तो ये 0 जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ पे आएगा 62, तो वो आपका हो जाएगा mm। तो हमारी आउटर यानी एक्सटर्नल डायमीटर, पहले मेन स्केल का वैल्यू हम निकालेंगे, उसके बाद वर्नियर स्केल का वैल्यू निकालेंगे, वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ ब्लॉक इनटू लीस्ट काउंट, देन उसके बाद टोटल नेम निकालेंगे मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, देन उसके बाद उसका इंच में हम वैल्यू नोट डाउन करेंगे। सो मेन स्केल का वैल्यू अभी आपने देखा हमारे पास 62 mm आया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा जो है लाइन नीचे वाले लाइन से बिल्कुल इस तरह से ओवरलैप हो जाता है। इस तरह से आपको ओवरलैप करवाना है लाइन को, तो जो भी लाइन ओवरलैप कर रही होगी वो हमें काउंट करना है, वो नंबर ऑफ ब्लॉक को हमको काउंट करना है। तो जैसे सपोज़ ये नंबर 5 वाला जो ब्लॉक है वो बहुत अच्छे से मैच कर रहा है नंबर 5, तो इसका मतलब 5, और ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक है यानी 0 से 1 के बीच में 5 ब्लॉक है, तो 5, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्केल में आ जाएगा 25 नंबर ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ 0.02। सो मल्टीप्लाई करने पर जब आंसर आ रहा है हमारा वो देखते हैं अब हम 0.5, तो 62 और इसको हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 62.05 इन mm। और इंचेस में हमारा आंसर क्या आ रहा है वो भी हमको देखना है। तो इंचेस में मैं आपको बता दूं कि 1 inch होता है 25.4 mm का। अब 25.4 mm का होता है, अब इसको देखते कैसे वो भी हम देख लेते हैं। अपर वाली स्केल दिखाई दे रही है आपको, वो इंचेस के लिए है, इंचेस में है, तो यानी इसका एक वैल्यू है जो कि 0.25, देन उसके बाद बड़ी आ जाएगी तो 1 हो जाता है। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, देन उसके बाद 1। तो 0 से लेकर ये जो एक दिख रहा है ये यहाँ तक इंच होता है। तो एक इंच के बीच में ये डिवाइडेड है और उसमें भी सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं, जिसमें एक ब्लॉक का वैल्यू हमने बताया 0.25। अब देखते हैं ये जो हमारे पास 62 mm आया था इंचेस में जो 0 का ब्लॉक है वो कहाँ मैच कर रहा है। तो इसमें हम देखें, सो ये हमारा वैल्यू आया है 4 तक, तो इसका मतलब ये mm में होगा 40। तो ये हो जाएगा मेन स्केल, वर्नियर स्केल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, टोटल इक्वल्स टू मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, देन इंच में इसका वैल्यू हमको लिखना है। तो इंटरनल हमारे पास कितना आया है यहाँ पे 40 mm। अब इस 40 mm में जो नंबर हमको मिल रहा है, नंबर ऑफ ब्लॉक क्या मिल रहा है वो देखते हैं। कौन सा ब्लॉक है जो एक्यूरेट मिल रहा है, 6 वाला बहुत अच्छे से मिल रहा है, 6 वाला, तो हम यहाँ ले रहे हैं 30। तो नंबर ऑफ ब्लॉक मिल रहा है हमारे को 30
मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.02 और जिसका आंसर होगा 0.6, इसको प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा। अब इसी को हमें इंच में देखना है। ये 1 इंच ख़त्म, 1.2, 1.4, देन उसके बाद 1.5, 6, 1.56, सो इंच हमारे पास आया 1.56, थिकनेस। थिकनेस निकालने के लिए इसको फिट कर लीजिए। क्या आंसर आया देखते हैं। 10.5, सो इसका जो mm आया है 10.5 mm। और कौन सा वैल्यू मिल रहा है, कौन सा ब्लॉक मिल रहा है वो देखना है। नाइन्थ ब्लॉक, 19th या 5, 6, 7, 8, 9, 9th ब्लॉक अच्छे से मिल रहा है। जीरो पॉइंट वन एट। सो टोटल कितना होता है, 10.68 mm। तो इंचेस में क्या वैल्यू आई है वो देखते हैं। ऊपर देखिए 0.2, 0.4 और थोड़ा सा आगे है, एग्जैक्ट 4 पर नहीं है, थोड़ा आगे है, तो ये आएगा 0.41 या 0.40। तो यहाँ पे इंच में आया 0.41। आपको बता दें कि ये जो है बाहर से बहुत ज़्यादा हार्डनेस है, इसीलिए 62 इसका परफेक्ट आया, लेकिन अंदर से ये रबर का है तो ये 2 mm का डिफरेंस शो करता है, या तो ये 40 दिखाएगा, कभी 38 से लेके 42 के बीच के रेंज में कोई भी आपके पास नंबर आ सकता है। और थिकनेस इसकी 10.5 बताई गई है, जैसे कि इसमें दिया गया है, कुछ वैल्यू दी गई है 40, 62 एंड 10.5। तो हमारे पास ये होती है इनर, आउटर एंड देन डेप्थ या थिकनेस। और इसी तरह से mm में आती है, कभी cm में आती है, कभी इंचेस में आती है। तो इंचेस का आपको ध्यान रखना है, यहाँ 2.44 दिया है, तो यहाँ पर जो है जो ऑयल सेल है वहाँ पर कुछ नंबर्स शो करते हैं, तो वहाँ पर आता है 244, कभी आएगा 156, फिर कभी आएगा 0.4, 0.41, पॉइंट नहीं आता उसमें, इस तरह के नंबर्स आते हैं।
तो ये था हमारा एलसील का वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. एंड अगर आपको इसमें और ऑयल सील की कुछ लिस्ट देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जहाँ पर आप इस ऑयल सील के नंबर्स देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है, कितने टाइप के नंबर्स है. वो कुछ ऑयल सील की नंबर लिस्ट है, वो आपको उस लिंक पर आपको मिल जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.